तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बट वेल्ड का वेट कैसे निकालना है। मतलब कि अगर कहीं पे बट वेल्डिंग किया हुआ है तो उसका वजन अगर हमें निकालना है कि इसको वेल्डिंग करने के लिए कितना हमें रॉड जो है यूज करना पड़ेगा, तो उसका जो है मैंने फॉर्मूला आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जैसे कि पाइप फिटर के ऊपर, स्ट्रक्चर फिटर के ऊपर, तो आप जो है हमारे चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे आप जाके देखिए, बहुत सारा प्लेलिस्ट है पाइप फिटर के ऊपर, स्ट्रक्चर फिटर के ऊपर, टैंक के ऊपर पूरा सीरीज हमने बना के रखा हुआ है, माइटर बैंड के ऊपर पूरा सीरीज है। जो भी वीडियो आपको चाहिए आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर तो सकते हैं, वहाँ बेसिकली पे आज आपको इस बहुत वीडियो में सारा हम नॉलेज देखेंगे मिल कि इस टाइप जाएगा। का रहेगा। मतलब ये फिलेट वेल्ड इसको बोलते हैं, ये वाला बट वेल्ड है। मैं दिखा देता हूँ एक बार और आपको यहाँ पे, ठीक है, इसको बट वेल्ड बोलते हैं और ये वाला फिलेट वेल्ड है। तो आज हम बेसिकली इसी के बारे में देखेंगे कि इस टाइप का वेल्डिंग जहाँ पे रहता है, ठीक है, फिलेट वेल्ड, तो उसका जो है हम कैसे वेट निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ से यहाँ इसको बी ले लिया है और यहाँ से यहाँ ए लिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला तो वही रहेगा हमारा, वेट इक्वल्स टू एरिया, एरिया मतलब कि क्षेत्रफल, इंटू डेंसिटी इंटू लेंथ, 1/E मतलब एफिशिएंसी। तो एरिया हमारा यहाँ है 0.5। 0.5 कैसे आया, चलिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए एरिया का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखे रखा हुआ है, ए इंटू बी डिवाइड टू, मतलब ये देखिए ये वाला ए है, ये वाला बी, और उसको हमने डिवाइड टू किया हुआ है। तो ए की जगह पे 10 है क्योंकि हमारा जो वेल्डिंग है वो 10 mm का है, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है वो 10 mm है और इधर से इधर का भी 10 mm है। ओके, तो वही ए के जगह पे 10 इंटू बी के जगह पे 10 और डिवाइड टू, तो कितना हो गया, 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 डिवाइड टू मतलब कि 50। ठीक है, तो एरिया mm स्क्वायर में आता है तो ये 50 mm स्क्वायर हो गया, लेकिन हमें वेट निकालने के लिए उसको कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किया, 50 डिवाइड 100 कर दिए तो ये 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, हमें यहाँ पे इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। चलिए अब देखते हैं फॉर्मूला। तो ये देख सकते हैं हमने एरिया के जगह पे 0.5, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद ये है डेंसिटी, तो मैंने आपको बताया था कि जो एम एस होता है उसका डेंसिटी होता है 7.85, और ये भी होता है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, तो आपने उसको देखा नहीं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि जो डेंसिटी होता है वो आपको क्लियर हो जाए। चलिए यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ, 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब, सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर इस टाइप का अगर आप जो है एक क्यूब लेते हैं तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 7.85 ग्राम। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। इनटू लेंथ, तो लेंथ भी यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर में ही होगा। ठीक है, यहाँ पे एमएम में नहीं होगा, ये सेंटीमीटर में होगा। तो 100 सेंटीमीटर मतलब कि कितना, 1000 mm मतलब कि ये 1 मीटर हो गया। इनटू 1/E एफिशिएंसी 0.55 होता है, तो इसका भी हमने जो है उसमें डिटेल में थोड़ा सा बात किया हुआ है, तो उसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये 1.055 क्या होता है। वैसे जो एफिशिएंसी का जो चार्ट होता है वो मैं अपने ऐप में दे दूंगा, वहां से आप जो है इसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट हम ये भी देखेंगे कि एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो भी हम जो है आपको बताएंगे। तो जब हम तीनों को जब हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 392.5 × 1/E, ये एफिशिएंसी है 0.55। के बाद फिर इसको जो हम यहाँ पे जब डिवाइड देंगे, मतलब 392.5 / 0.55, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 713.63 ग्राम। ये हमारा हो गया वेल्डिंग का वेट, मतलब कि इस टाइप का अगर वेल्डिंग रहेगा, कितना, 1 मीटर लंबा अगर रहेगा तो उसका वजन कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 713 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे 1.2 क्या है, तो जब हम यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं तो ये बिल्कुल लेवल नहीं रहता, ये थोड़ा थोड़ा बाहर तक रहता है। ठीक है, जिसको हम रीइन्फोर्समेंट बोलते हैं, तो ये जो बाहर तक रहता है तो उसी को हम जो है 1.2 से अगर हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 856 ग्राम। मतलब कि फिलेट वेल्ड 1 मीटर अगर रहेगा, 10 mm का वेल्डिंग, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 856 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप प्लस ही पकड़ सकते हैं, मतलब 900 ग्राम तक ये रॉड रहेगा तो हो जाएगा वेल्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम वेल्डिंग का वेट निकालते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि वेल्डिंग का वेट कैसे निकाला जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।